जाते जाते उसने कहा था अलविदा, हमारी ना फिर मुलाकात हुई थी, एक सिलसिला जो ख़त्म हुआ है जख्मों पर, उसकी मोहब्बत से शुरुआत हुई थी। तो गाइस बाहर सुहाना मौसम है, बोलो फायदो मौसम है, क्या बोलते हो क्या चल रहा है आजकल। बैक विथ अनदर एट बॉल पुल वीडियो, और सो सॉरी आज अपन लाइव नहीं जा पाएंगे क्योंकि थोड़े से बिजी है, पर तुम लोग आए वो इतना समझ के ले सकते हो। और यार इस टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना था क्योंकि मोस्ट डिमांडेड टॉपिक एक है ये, और काफ़ी टाइम से तुम लोग ने भी मुझे ये सवाल कर करके थोड़ा बहुत परेशान कर दिए थे, और सिर्फ तुम लोग ही नहीं पर मैं खुद अंदर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट था कि भाई अब बता ही दो यार ये कब जाने वाला है, ये चीटोस का क्या मसला है क्या नहीं है। चीटोस तुम लोग को तो पता ही यार, इस गेम को लगी है पिछले कुछ महीनों से सालों से एक बीमारी, बीमारी बोलो पनौती बोलो जो बोलना है बोलो, और इसका अभी तक कोई इलाज पाया नहीं गया है। तो यार उससे पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा तो गेम का मतलब लेवल देख सकते हो तुम लोग, मेरा है 411 और अभी मैं खेल रहा हूँ बर्लिन। मैं तो मोस्टली बर्लिन ही खेल रहा हूँ, वेनिस में लेकर पछता रहा हूँ जो 2 दिन पहले ले लिए थे अपन ने, पर बर्लिन में लेवल 400 की अकाउंट लेकर मुझे तो यार इतने नहीं मिल रहे चीटोस, पता नहीं तुम लोग को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं क्या है। पर आए हाँ यार वेनिस में बहुत है, बहुत एकदम जुलुम है वेनिस में खेलना इस समय, तो मैं समझ सकता हूँ तुम लोग का दर्द वगैरह जो भी है मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने एक ना फ्लूक में छोड़ दिया था मेल मिनी क्लिप को कि भाई अब बता ही दो कि क्या हो रहा है इसके पीछे, तुम लोग का क्या काम चल रहा है, कब जाने वाला है, ये कुछ एक्सपेक्टेड टाइम बता दो। तो मैंने लोगों को मेल किया था, मैं तुम लोग को बताऊंगा मैंने क्या मेल किया और उसका जवाब भी मेरे को आया है, तो वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को इतना बता दूं कि ये लोग जो होते हैं ना यार, मतलब सीरियसली यार अच्छे लोग हैं नो डाउट, पर ये लोग जो होते हैं ना यार ये बहुत ही क्या कहते हैं उसे, डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक का मतलब तुम्हें नहीं पता तो गूगल कर लो, लेकिन मतलब अरे सिंपल है यार, मतलब चिद भी उनका पद भी उनका, आई होप ये सही है। पर वो लोग ना यार जो उन्हें बताना होता है वो बताते हैं, और जो नहीं बताना होता है और अगर वो अपने गलती से वो पूछ लिए तो फिर वो लोग अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं, सीधा सरेंडर, या फिर वो लोग रिप्लाई ही नहीं करते। ये दो चीज़ है ठीक है, और हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर, कुछ कट टू कट क्लियर कुछ नहीं बताएंगे। तो ये मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो उन लोग का जवाब आया है ना भाई, तुम लोग का दिल विल ना टूट जाए सुन के देख के या जो भी सीन है। तो मैंने लोग का प्यार भरा ईमेल किया था, और मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ही उत्सुक हो कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है इसको लेकर। पर टाइटल और थंबनेल लिखने के बाद मैं समझ सकता हूँ यार तुम लोग के दिल में कुछ खुशी की उम्मीद ही हो, कुछ तो भी उम्मीद जाग गई होगी, पर यार तुम लोग का दिल टूट जाएगा देखकर उन लोगों का जवाब जब मैं तुम लोग को बताऊंगा ना। तो जितने तुम लोग उत्सुक हो ना उतना ही भाई दुखी होकर तुम लोग को जाना पड़ेगा। तो मैं तुम लोग को बता दूं, देखो मैंने उन लोग को जब मेल किया था ना, वो मेल तुम लोग को स्क्रीन पे दिखेगा अभी, ये मैंने उन लोग को किया था 17 सितंबर को। मैं पूरा मेल नहीं पढ़ूंगा ये वाला नहीं, पर इसमें तुम लोग देख सकते हो मैंने उसका नाम हटा दिया है, उस बंदी का नाम मैंने हटा दिया है, बंदी है यार बंदी है, तो उसका नाम हटा दिया। पर उसको प्यारा सा सवाल पूछा मैंने कि भाई प्लीज़ हमें बता दो कि ये चीटोस जो है वो कब जाने वाला है ठीक है, और क्योंकि हमारे जैसे और भी कितने फेयर प्लेयर्स हैं जो इस दुविधा से गुजर रहे हैं और इसका कोई हल नहीं है और थक गए हैं भाई। मैं जानता हूँ यार बर्लिन में खेल खेल कर कोई कितना ही खेल लेगा, थक जाएगा एक टाइम पे। तो मैंने पूछा था उन लोगों को पूरा मेल, तुम लोग ने अगर पढ़ लिया, मैंने उससे पूछा था कि एक प्यार भरा वक्त बता दो हमें, कुछ एक्सपेक्टेड तो भी बता दो, 1 महीना 2 महीना 10 महीना 10 साल कभी जाएगा भाई ये, या फिर उन लोग क्या कर रहे हैं इसके पीछे। तो ये मेरा था उन लोगों को एक प्यारा सा सवाल, अब देखते हैं उनके जवाब में क्या है। मैं तुम लोग को बता दिया वो लोग के जवाब कैसे रहते हैं, बहुत ही भारी भरकम रहते हैं। लेकिन उस उन लोग का जवाब बताने से पहले मैं तुम लोग को बोलूं कि ये सवाल मैंने उन लोग से यार पिछले साल भी पूछा था, अक्टूबर के टाइम पे आई थिंक अक्टूबर में मैंने पूछा था, तब दूसरी बंदी थी, ये तो दूसरी बंदी है जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, पर उस टाइम पे दूसरी बंदी थी, और उसने कट टू कट क्लियर मुझे बोल दिया था कि यार अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा ना, यानी वो अक्टूबर के टाइम पे, अक्टूबर 2021 के टाइम पे अब जो अपडेट आएगा ना उसमें 100% जा चुका होगा, ऐसा कुछ उसने बोली डिलीट, मतलब मुझे क्लियर तो याद नहीं है, मैंने वो मेल भी डिलीट कर दिया, पर उसने कुछ ऐसे ही बोली थी कि अब जो हम लोग की टीम जो है वो बहुत ही भारी भरकम काम कर रही है इस पे, और अब जो अपडेट आएगा उसमें तो 100% चला जाएगा। तो मैं थोड़ा खुश हो गया था भाई जाने वाला है और मज़ा आने वाली है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना यार, वो बंदी चली गई, अब वो बंदी पता नहीं कहाँ चली गई, और चीटो तो नहीं गया वो बंदी गायब ही हो गई, मतलब उसके बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीना उसका कोई जवाब ही नहीं, मतलब भाई क्या गोलीबारी हो गई ये।
लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे से कोई दूसरी बंदी कांटेक्ट में आई और फिर हमारे जो है कोऑर्डिनेशन उस पर होने लगा। तो ये दूसरी बंदी है जो है, ठीक है, तो मैं तुमको उसका रिप्लाई बताता हूँ कि मैंने जो ईमेल किया था उस पर उसका रिप्लाई क्या है। तुम लोग देख लो, डरना नहीं, घबराना नहीं, और थोड़ा दिल दुखेगा पर समझे वाड़ी है। ये है भाई, हेलो पद्दू, मैंने उसका नाम हटा दिया है, मैं ये वाला मेल पढ़ता हूँ, मैंने उसका नाम हटा दिया है क्योंकि तुम लोग बवाल नहीं कर देना। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट एबल टू डिस्कस, ठीक है भाई। मतलब कुछ अंदरूनी जानकारी कुछ रहता है ना, अंदरूनी माल जो नहीं बता सकते। तो यार उन लोग कैसे बताएंगे यार, हम तो इतने भी उन लोग के खास नहीं है कि सब बता देंगे अपने को। तो बोले कि हम तुम्हें इतना कुछ नहीं बता सकते हैं, पर उसके नीचे उसने कहा कि रेस्ट एश्योर्ड दैट द टीम इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, उन लोग की जो टीम है वो काम कर रही है। रिसेंटली वो लोग ने जो है रिपोर्ट ऑप्शन अभी गेम में छोड़ा है, और रिपोर्ट ऑप्शन अभी तुम लोग जितना इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और एक चीज़ उन लोग ने बोली कि भाई कोई भी प्लेयर अगर किसी भी तरीके से गेम को एक्सप्लॉइट करता है, गेम के साथ अगड़म तिगड़म बगड़म कुछ भी करता है, वो सीधा सीधा पनिश किया जाएगा। तुम लोग को पता है कितनी सारी आईडी जो है रीसेट हो रही है, और मतलब वार्निंग आ जा रही है, बैन हो जा रही है कितनी सारी अकाउंट। तो इन लोग का चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। चीटो तो मेरे को नहीं लग रहा है लोग बंद कर पाएंगे, इन लोग के बस की नहीं है, पर देखते हैं कि क्या सीन है। लेकिन ये लोग ने जो रिपोर्ट ऑप्शन डाले, मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि भरपूर इस्तेमाल करो उसका और करवाते रहो भाई रिपोर्ट, जितना मार सकते हो मारो। अनफेयर लोग को ही भाई, फेयर लोग को नहीं मारना, क्या कर रहे हो तुम लोग, फेयर लोग को नहीं मारना, अनफेयर लोग को मारो जितना रिपोर्ट मार सकते हो, और फिर वो लोग पनिश कर दिए जाएंगे सिंपल सिंपल। ये वही उसने वही को बोला कि भाई अभी हम लोग ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एक रिपोर्ट ऑप्शन डाले हैं, और इससे ज़्यादा हम आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बस यही तक था जो था इनका, उसने सीधा यही बोल दिया भाई कि बस यही तक था जो था। तो यही सीन है और कुछ भी नहीं। मैंने लोग को मेल भेजा था 17 को, मुझे रिप्लाई आया 22 को, और बस मैंने सोचा तुम लोग के साथ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। और लिटरली यार मैं तुम लोग को सच बताऊँ, मुझे नहीं लगता ये जा सकता है कुछ आने वाले वक्त में या कभी भी, क्योंकि जो चीटोस बना रहे हैं ना वो लोग से 2 कदम आगे है भाई। ये लोग कुछ करते हैं तो वो लोग 1 स्टेप आगे का कुछ लेकर आ जाते हैं। तो ये लोग कितने भी अपडेट लेकर आ जाए, लोग अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है कितना भी भयंकर सा बना ले, लेकिन ये लोग उस चीज़ को कभी बंद नहीं कर सकते। मैंने तो उम्मीद छोड़ दिया है, अब जो है वो यही है भाई, अब तुमको इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिप्लाई देखने के बाद यार मेरा भी 2 सेकंड के लिए थोड़ा आंखों में आंसू आ गए थे, पर क्या करे यार, जो था यही था। तो बस तुम लोग का आज के वीडियो में मेरे को यही बताना था कि क्या सीन है। मैंने उन लोग को कुछ भेजा, वो लोग ने जवाब दिए और बहुत ही जिल्लत भी दे दी, थोड़ी सी बताई नहीं तो, लेकिन अपन समझ सकते हैं यार। अपन अभी तुम लोग को तो मालूम है कि इतने भी खास नहीं है अपन उन लोग के, समझ गए ना तुम लोग, इतने भी खास नहीं है अपन लोग, अपने को सब बताए, लेकिन जो भी है बता दिए और इतना ही था। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा विनिंग रिसेट के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने लोगों को कुछ पूछा था, उस पे भी ये लोग ने कुछ जवाब दिए है, वो भी मतलब वो मैं तुम लोग को उसके वीवो वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ठीक है यार, मतलब अभी थोड़ा गेम प्ले वेम्प्ले देख लो। ये दोपहर में आज मैं खेल रहा था, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया मजाक मजाक में, 6 की विन स्ट्रिक लग गई मेरी, और नसीब देखो ये 6 की विन स्ट्रिक मैंने रिकॉर्ड किया, इसके बाद मैं एक गेम हार गया, मुझे डिनाइल पड़ गया, उसके बाद मैंने 8 की विन स्ट्रिक मार दिया बर्लिन में, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं 6 की जगह 8 की विन स्ट्रिक दिखाता तुम लोग को। लेकिन कोई नहीं, ये 6 गेम बहुत ही सुंदर भरे मैंने खेला, बहुत ही फास्ट, थोड़े कॉइन्स इंक्रीज कर रहा था। अगर तुम लोग मेरी कल की स्ट्रीम देखोगे तो 92 पॉइंट कुछ तो बिलियन थे उसमें, और आज हमारे 93 कंप्लीट हो गए यार। लेकिन मैं थक गया अब, मैं को ऐसा लग रहा है मैं 2 दिन नहीं खेलूंगा गेम, क्योंकि ज़्यादा खेलने से यही होता है यार। और बर्लिन ऐसा टेबल है ना, तुम लोग लिटरली थक जाओगे यार, कितना खेलेगा खेल खेल के इंसान। तो यही है और कुछ भी नहीं है, तो और क्या ही बोलूँ मैं तुम लोग को यार। एक बार कमेंट कर लेना तुम लोग, अगर तुम लोग के पास कुछ भी टिप्पणियाँ हो, अगर तुम लोग को कुछ शेयर करना हो, कुछ भी इससे रिलेटेड बात करनी हो, पूछना हो, या फिर देखो अभी तो मैं उन लोग के पास दोबारा नहीं जाने वाला हूँ, सिंपल सिंपल सी बात है, क्योंकि वो लोग बताते नहीं है ज़्यादा कुछ। हाँ थोड़ा सी थोड़ा बहुत कुछ हिंट वगैरह दे देंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। मैं तुम लोग को बोल रहा, जो पिछली बंदी थी उसने मुझे क्लियर कट टू कट बोल दिया था कि नेक्स्ट अपडेट में तो ये चला ही जाएगा भाई, ठीक है, हमारी तरफ से पूरा सब कुछ हो गया है, चले भी जाएगा वगैरह वगैरह, फिर वो बंदी गायब हो गई। तो ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, कोई अंत तक कोई साथ वात नहीं देता है, सब छोड़ ओड़ के चले जाते। लेकिन ये वाली जो बंदी है ये बहुत अच्छी है, इसका नाम मैं तुम लोगों को किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा नाम है, अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा नाम है, अच्छा लगा हमें नाम वो,
उसका नाम किसी और दिन डिस्क्लोज करेंगे, फिलहाल मेरी मैच लगी है। हैंको क्यों हटा दो भाई, क्यों हटा दो, एन और क्यू दोनों हटा दो नाम में से। क्या ही प्यारे प्यारे भाई, नाम के बहुत मजाक उड़ाते रहते हो यार, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। नाम के रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी के नाम की, चाहे कोई भी हो कैसे भी हो। बंदा होना, बंदा दिल का अच्छा होना चाहिए भाई। तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है कि वो कितने लेवल पे है, बिकॉज मेरी जो चार आंखें हैं वो भी अभी इतनी कमजोर हो गई है, मेरे को लग रहा है कि मुझे छह आंखें लगानी पड़ेगी। चश्मे का नंबर वंबर बढ़िया है। कोई ना कोई ना कोई ना, ये वाला बर्लिन का गेम मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, एंड अगर तुम लोग को आगे पीछे कहीं से आवाज़ वावाज़ आ रही रहेगी तो प्लीज़ इग्नोर करो, बिकॉज मैं रहता हूँ स्टेशन के यहाँ, मेरे घर के बाजू में स्टेशन है, ट्रेन यहाँ से गुजरती रहती है, जब उनका हॉर्न वॉर्न की आवाज़ आती है मैं उन लोग को गाली देते रहता हूँ। बस तंग कर दिए है भाई, तंग कर दिए। लेकिन यही तो है भाई स्ट्रगल, तुम्हें हर चीज़ अपने तरीके से नहीं मिल सकती ना, यही तो है ज़िंदगी भाई, यही ज़िंदगी। ज़िंदगी से ज़्यादा यार, लास्ट की लाइव स्ट्रीम पे किसी ने बोल दिया था मेरे को कि भाई जहाँ वीडियो बनाते थे वहाँ बनाओ, तो मुझे एक एक सेकंड के लिए तो मैं बीटी में चला गया था। बीटी मतलब एक मेंटल ट्रॉमा व्रामा किसी चीज़ में तो मैं चला गया था कि भाई वो भी एक मतलब ऐसा लग रहा है मेरा पिछला जन्म था वो, कसम से। और वो भी सारे वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दिए यार, ये इन्हीं लोगों की बदौलत, इन्हीं लोगों ने दो स्ट्राइक मार दी थी, पर वो एक्चुअली जेन्यून स्ट्राइक थी और वो आ गई थी, पर सारे वीडियोज डिलीट मारने की ज़रूरत नहीं थी उसमें, पर क्या करें भाई 65,000 सब्सक्राइबर है अपने और एक ही स्ट्राइक का फासला था, दो तो आ गई थी, तीसरे स्ट्राइक पर चैनल उड़ जाता है। तो जब फटी थी तो रात में 4 बजे मैंने सारे वीडियोज़ डिलीट मारा था बैठे बैठे फ़ोन में से ही, और कॉल पर थे मैं था, दीपक था और सैफी था, और सैफी भाई को 2 स्ट्राइक, मेरे को 2 स्ट्राइक, दीपक भाई वो टाइम नहीं, वो तो साफ सुथरे बंदे, तो सबको 2-2 स्ट्राइक। तो वो सारे वीडियोस की मुझे बहुत याद आती है, मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे गेम प्लेस थे उसमें, लॉर्ड एमन के साथ था और किस किस के साथ था पता भी नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारे वीडियोस थे। मुझे नहीं पता तुम लोग ने कोई वीडियो सेव वेव भी किया, क्योंकि मैं तो एक बार अपलोड करता हूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। तो कोई ना, आज के वीडियो में बस तुम लोग को यही बताना था, ये है इस वीडियो का आखिरी गेम। अभी तक वीडियो पर बने हो तो मैं दिल से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तुम लोग मुझे एक बार मैसेज करोगे ना इंस्टाग्राम पे तो शायद मैं ना पढ़ पाऊँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता हूँ भाई, हर 1 घंटे 2 घंटे में जब भी मेरे को टाइम मिला कुछ स्क्रॉल करने का रहेगा ना टाइम पास, तो मैं कमेंट देख लेता हूँ और दिल खुश हो जाता है। कभी कभी तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, सच्ची में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कभी कभी, तो पूरे तो खैर कोई करता नहीं है, वैसे हेटर तो किसके नहीं होते, पर मुझे नहीं मिला कोई कभी। कोई बात नहीं यार, ऐसी मोहब्बत प्यार बरसाते रहो। और ये है इस वीडियो का आखिरी गेम, मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा आज, बिजी हूँ मैं, बोल रहा हूँ पार्टी आज तो ठीक है भाई, इतना ही तुम लोग को बोलूँगा कि खत्म भाई। ये 6-6 गेम था मेरा, गिन लेना अगर तुम लोग ने नहीं देखा पूरे 6 के 6 गेम, तो 6 की विन स्ट्रीक हो गई मेरी। इतना ही तुम लोग को बोलूँगा, छींगम खाओ चबा के, पूल खेलो दबा के, अपन फिर मिलेंगे।